अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप एवरी वन ऑफ़ यू इज़ फाइन आई एम हेयर विद हेयर विद अनदर लेक्चर फॉर द क्लास नाइन्थ जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर टू में हम लोग चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजी के बारे में आपको बताया था साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ साइंस और उसके अलावा मैंने आपको वेरियस डिवीज ऑफ बायोलॉजी जिसमें मेन थ्री डिवीजनस हैं जोलॉजी बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी उनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के जब हम लोग डिवाइड करते हैं बायोलॉजी को थ्री डिफरेंट डिवीजनस में जोलॉजी बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी तो उसके अंदर भी इस कदर वास्ट नॉलेज है कि मज़ीद उन डिवियंस uh, को फर्दर आगे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी थी इन ऑर्डर टू स्टडी देम एक्यूरेटली तो हम लोग अब मुख्तलिफ बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं ये आपने माइंड में क्लियर रखना है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्रांचेस की जो आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी दैट वॉज डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर थ्री मेजर डिवियंस हैं बॉटनी जोलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी

एंड स्ट्रक्चर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम चाहे वो कोई भी हैं उनके फॉर्म के बारे में उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना कि उनके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है उनके बॉडी का किस तरह से स्ट्रक्चर है उनके अंदर ऑर्गेन्स के किस तरह से स्ट्रक्चर है इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करना मॉर्फोलोजी के ब्रांच में आता है इसी तरह हमारे पास एक और ब्रांच है दैट इज़ एनेटमी एनाटमी में ये दिस इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इसको हम लोग एनाटमी कहते हैं वो बायोलॉजी की ब्रांच जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के, के बारे में डिस्कस करे उसके बारे में एक्सप्लेन करे इसको हम लोग एनाटमी कहते हैं फॉर एग्जांपल इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं हमारे स्केलेटन्स हैं हमारे अंदर प्रेजेंट मुख्तलिफ ऑर्गैन सिस्टम्स हैं उनके बारे में स्टडी करना दैट इज़ कॉल्ड लेस एनाटमी इसके अलावा द नेक्स्ट ब्रांच इज़ हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ़ टिश्यूज़ आप जानते हैं कि अगर अभी तक आपने पढ़ा होगा तो द लाइफ द यूनिट ऑफ लाइफ ए सेल मख्त किस्म के सेल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक यूनिट बनाते हैं उसको हम लोग टिश्यूज़ का नाम देते हैं और उन टिशीज़ को स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज टिश्यूज़ आर वेरी स्मॉल इन साइज़ और उनको डिटेल में स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है तो इस ब्रांच ऑफ़ बायोलॉजी जिसके अंदर हम लोग टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की उसको हम लोग हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच इट इज़ सेल बायोलॉजी सेल बायोलॉजी जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है अभी बोला था कि और द यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है हर एक के अंदर सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उस सेल के बारे में स्टडी करना जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की सेल का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर अभी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं दोनों सेल से मिल बने होते हैं तो दोनों के सेल के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं उनके सेल्स बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से तो उनके बारे में स्टडी करना स्ट्रक्चर्स जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करना फंक्शंस क्या हैं सेल के कौन सा सेल किस तरह से जिस तरह से सेल से, से के अंदर मुख्य स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे ये सब जो है हम लोग सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं इसके अलावा ना सिर्फ सेल बल्कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनालीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है न्यूक्लियस है इन सब का क्या रोल होगा एक पूरे सेल के अंदर इस होल डिवीजन को इस होल स्टडी को हम लोग सेल बायोलॉजी का नाम देते हैं ये जो ब्रांच है इट्स डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन इस यानी कि हम लोग जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे आगे चल के कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर सेल डिवाइड होते हैं नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम अपनी एग्जांपल भी ले लें हमारी बॉडी के अंदर भी सेल डिवाइड होते हैं किस तरह से वो डिवाइड होंगे कौन से प्रोसेस हैं कौन से स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के सेल डिवाइड होता है वो सब भी हम लोग सेल बायोलॉजी के अंदर ही डिस्कस करते हैं ये योगी हमारी चार ब्रांचेज उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ दैट इज़ फिजियोलॉजी So this branch deals with the study of function of different parts of living organisms. कि हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं उनके अपने अपने मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं प्लांट्स के ऑब्वियसली पार्ट्स जो बॉडी के हैं उनके वो डिफरेंट होंगे एस कम्पेयर टू एनिमल्स लेकिन उनकी स्टडी के हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका किस तरह से स्पेसिफ़िक पार्ट क्या स्पेसिफ़िक रोल प्ले करता है क्या किस तरह से डिवेलप होता है इस सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोग जो ब्रांच यूज़ करते हैं दैट इज़ फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म वो लिविंग ऑर्गेनिज़म कोई भी हो सकते हैं भी भी हो सकते हैं, animals भी हो सकते सकते हैं, हैं। हैं इसके अलावा जो हमारे पास है, जिसके अंदर हम लोग करते जींस के बारे में जीनिया जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं यानी कि किस तरह से जो एक लिविंग ऑर्गेनिजमिंग के अंदर उसके पेरेंट्स के characteristics आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर पेरेंट्स कौन सी चीज़ है जो बॉडी के अंदर इन चीज़ों को डिफ़ाइन करती है कि बॉडी uh, किस तरह से डेवलप होगी किस तरह का कलर होगा किस तरह के हेयर होंगे ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसे हम लोग जीन्स कहते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी की कंट्रोल को कंट्रोल करती हैं उसकी डिवेलपमेंट को ग्रोथ को हर तरह से कंट्रोल करती हैं हर तरह के फंक्शन में जीन्स इन्वॉल्व हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ तो उनके बारे में स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है uh, जीन्स ये हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं और ये दे प्ले द मेजर रोल इन इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि हमें अपने आबाओ अजदा से किस तरह के करैक्टरिस्टिक्स मिलेंगी मींस हाउ वी गेट द करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर फ़ोर फादर्स या फ्राम अवर पेरेंट्स तो इस तरह के जो ब्रांच है उसको हम लोग जेनेटिक्स का नाम देते हैं इन्रीटेंस की डेफ़ीशन क्या है इन्हेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर करैक्टर्स फ्राम वन जनरेशन टू अनदर यानी कि पेरेंट्स एक जनरेसन है उनसे ऑफ स्ट्रिंग में किस तरह के करैक्टर्स जाएंगे वो सब चीज़ों को इन्हेरिटेंस हम लोग कहते हैं इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी मीन्स ये भी टू वर्ड्स पर हैं एम्ब्रू एंड लॉजिक एम्ब्रू का मतलब क्या है कि न्यू इंडिविजुल बिफोर ही और शी इज़ बॉर्न यानी कि विदिन दिन एन एग जो चिक होता है बिफोर इट्स बर्थ जो एग के अंदर किस तरह से उसकी डेवलपमेंट होगी एग आपने देखा है नॉर्मल क्या है इट कंसट ऑफ द एल्वियम इन द वाइट पार्ट ऑफ द एग एंड दूक किस तरह से एक एग जो है जब वो प्रॉपर उसको कंडीशन मिलती हैं वो एक चिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं इसी तरह हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से फीटस डेवलप होता है एम्ब्रियो में चेंज होता है और फर्दर आगे फिर एक ह्यूमन बींग की बर्थ होती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग इस पूरे प्रोसेस को एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी बहुत एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलफ़ पार्ट्स सिंपल पहले एक सेल होता है उन से उसके बाद वो फर्दर आगे डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड होते हैं फर्दर डिवीजन होती जाती है और किस तरह से हर सेल आगे फ़र्दर ग्रुप ऑफ़ सेल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को अपना लेते हैं यानी कि कौन से सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो आगे चल के हमारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे कौन से सेल्स हैं जो हार्ट बनेंगे कौन से सेल्स हैं जो हमारे अंदर से लिवर इंटेस्टाइन स्टमक ये सब बनेंगे ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टडी है जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की डेवलपमेंट के ऊपर देखी जा रही होती है बिफोर देयर बर्थ तो इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं इसी तरह हमारे पास अनदर ब्रांच है दैट इज़ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स अब हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर आल्सो वास्ट इन नंबर अगर आप प्लांट्स में देखें प्लांट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जो आपस में एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच भी करती है एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट भी हैं इसी तरह अगर आप सिंपल इंसेक्ट्स को देख लें इंसेक्ट्स क्या हैं एनिमल्स के एक जनरल कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं नॉर्मली तो इंसेक्ट्स ख़ुद इतने वैरायटी में हैं इस क़दर वो ज़्यादा हैं इसी तरह एनिमल्स आप देखें लाइक लाइन चीता टाइगर जैगवार ये सारे जो हैं दिखने में उनकी करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से काफ़ी मैच करती हैं पर क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी करती हैं तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई करने ना सिर्फ एनिमल्स को बल्कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं इंटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दियर करैक्टरस्टिक्स यानी कि सेम करेक्टरस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम को एक ग्रुप में रखा जाता है डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स वालों को डिफरेंट ग्रुप में रखा जाता है और किस तरह से इन एनिमल्स को नेम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग प्रोसेस होता है ऑब्वियसली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है चाहे वो आ, इंसेक्ट्स हैं हर एक का एक साइंटिफिक नेम है साइंटिफिक नेम जो है एक बेसिस के हिसाब से रखा जाता है क्या उसकी बेस क्या है कि वो किस आ, ग्रुप के अंदर होगा किस स्पीशी के अंदर होगा वो किस किंगडम के अंदर प्रेजेंट है तो इस हिसाब से जो है वो उनका नेमिंग प्रोसेस होता है तो जो नेमिंग प्रोसेस है वो भी इतना सिंपल नहीं है वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर होता है तो इस तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो ने प्रोसेस है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इस को हम लोग डील करते हैं इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ कॉल टेक्सोनोमी इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट फील्ड के ऊपर दैट इज पैलियनटोलॉजी पैलियंटोलॉजी इट मीनस द स्टडी ऑफ फॉसल्स फॉसल्स क्या हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो आज के दौर में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ज़मीन के ऊपर से उनका खात्मा हो चुका है उनकी रिमेंस को स्टडी करना वो हम कहते हैं पैलियटोलॉजी अब ये जो एनिमल्स हैं जो एग्जिस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं लाइक like डायनासोर्स किस तरह से साइंटिस्ट को पता है कि डायनासोर्स आज से कितने साल पहले कितने सौ साल पहले कितनी सदियों पहले ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट थे इवन बिफोर द एग्जिटेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स तो वो ख़त्म हो गई इंसानों के आने से पहले ही वो ख़त्म हो गए किस तरह से साइंटिस्ट को अब उनके बारे में पता चला थ्रू द स्टडी ऑफ फॉसल्स फ़ॉसल्स क्या है कि ज़मीन के अंदर ज़मीन के अंदर मुख्तफ लेयर्स में जब किसी भी एक्सटिंक्ट एनिमल के कोई रिमेन्स मिलते हैं चाहे वो आ, उनकी स्केलेटन के फॉर्म में चाहे उनकी स्किन मिली है उस सब को स्टडी करके हम लोग पूरे एनिमल के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट भी हो चाहे वो एनिमल हो उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं तो इस तरह की स्टडी को जिसमें हम लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बात करते हैं इसको हम लोग पैलियटोलॉजी का नाम देते हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर दैट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी मैं यहाँ पे सिर्फ फेबरेवेशन लिख रही हूँ एनवायरमेंटल की एनवायरमेंटल नाम से ही जाहिर है इन्वायरमेंट सब वर्ड डिराइव हो रहा है इसका मतलब ये है कि हम लोग इस फील्ड के अंदर इस ब्रांच के अंदर इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे अब इन्वायरमेंट में हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं इसमें हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं इंसेक्ट्स हैं ह्यूमंस हैं जिस तरह के भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक इन्वायरमेंट में किस तरह से रहते हैं और उस इन्वायरमेंट में अपने इर्द गिर्द मौजूद लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं इस पूरी स्टडी को हम लोग इन्वामेंटल बायोलॉजी के अंदर डील करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं किसी कॉर्नीवर्स प्ला एनिमल की तो वो किस तरह से अपने इर्द गिर्द मौजूद बाकी एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा क्या वो प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा किस तरह से वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है किस तरह से वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है अपने इर्द गिर्द मौजूद ऑक्सीजन वाटर के साथ किस तरह से उसकी इंटरेक्शन है यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में स्टडी करना हो तो हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ सोशियो सोशियो बायोलॉजी वर्ल्ड जो है कहले सोसाइटी से निकला तो इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं यह ब्रांच जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज सो so मोस्टली अगर आप लोग ह्यूमन बींगस के अंदर देखते हैं तो ह्यूमन बींगस की डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे कल्चर में हमारे इर्गद हमारे सराउंडिंग में बट वाट अबाउट एनिमल्स सो एनिमल्स आल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर दे देसो फॉर्म सोसाइटीज़ तो उसके बारे में स्टडी करना कि क्या बिहेवियर होगा एनिमल का महतलि सोसाइटीज़ के अंदर किस तरह से वो अपने आप को डिवाइड करते हैं इंटू डिफरेंट सोसाइटीज़ और क्या उनके रोल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर सोसाइटी उसको हम लोग देखते हैं सोशियो बायोलॉजी के अंदर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज़ पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी वर्ड जो है पैरासाइट से निकला है पैरासाइट क्या होता है यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खुराक ख़ुद से हासिल नहीं करते बल्कि ये डिफरेंट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करके उनको नुकसान पहुंचा के उनसे खुराक हासिल करते हैं दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स तो पैरासाइट्स का स्टडी करना उसको हम लोग पैरासाइटोलॉजी कहते हैं इस ब्रांच को जिसके अंदर हम लोग पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे पैरासाइट्स किस तरह की हो सकती हैं लाइक टिक्स एंड माइट्स जो कि एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं लाइक डॉग शीप कोट एक्सेट्रा इसी तरह लीसीज हैं यानी कि जो जुएँ हैं जो इंसानों के अंदर पाई जाती हैं इसी तरह हमारे पास महत्लिफ और पैरासाइट्स हैं लाइक लीच लीच लिव्स इन द वाटर और ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके ब्लड को सक करके उससे खुराक हासिल करती है अपनी ख़ुराक खुद से इसके अलावा वो हासिल नहीं कर सकती इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से कोई ऐसा सब्सटांस बनाएँ फॉर द वेलफेयर ऑफ़ मैन काइंड इंसानों के फ़ायदे के लिए कोई सब्सटांस बनाया जाए वो हम लोग डील करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आज के दौर में हम देखते हैं हम लोग फूड प्रोडक्शन करते हैं लाइक like यीस्ट का यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं तो वो सब इंसानों की वेलफेयर के लिए जब हम लोग लिंग ऑर्गेनिज़म्स बजायज़ कि के 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 केमिकल का यूज़ किया जाए हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं इन द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसी तरह हमारे पास अनदर ब्रांच है जिसे हम लोग इम्यूनोलॉजी का नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी में क्या है ये वो स्टडी है इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ़ एनिमल्स इम्यून सिस्टम क्या है एनिमल्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सिस्टम जो कि उसको बीमारियों से महफूज़ रखता है आउटर और कोई ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर आकर अटैक करे तो उससे महफूज रखता है जो अंदरूनी सिस्टम है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह से पूरे बॉडी को डिफ़ेंड करता है उस चीज़ उस पूरे सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम लोग इम्यूनोलॉजी की ब्रांच को स्टडी करते हैं इसके अलावा अनदर ब्रांचिज़ एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी क्या है इट इज़ ब्रांच इट इज़ एल्सो अनदर इंटरेस्टिंग ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में इंसेक्ट्स जो हैं दे आर लार्ज इन नंबर दे आर मच वेरीड इन नंबर एज कम्पेयर टू एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम दैट एगजिस्ट ऑन अर्थ देर आर आर लार्ज नंबर ऑफ इसेट्स आर प्रेजेंट उन सब के बारे में स्टडी करना उनको आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू देर करेक्टरस्टिक्स ये सब कुछ हम लोग करते हैं इन द ब्रांच ऑफ एंटोमोलोजी इसके अलावा देर इज अनादर ब्रांच दैट इज़ फार्मेकोलॉजी इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ़ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कि जो ड्रग्स जो हैं महतल अद्वियात जो हैं जो बनाई जाती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ़ ह्यूमन काइंड वो किस तरह से बॉडी के ऊपर असर करती हैं से कैसे बनाई जाती हैं बॉडी के किस हिस्से पर असर करेंगी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इन सब के बारे में स्टडी करना फ़ार्मेकोलॉजी के ब्रांच के अंदर आता है तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने मुख्तफ़ ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है एक इंट्रोडक्ट्री लेक्चर था मुख्तलि ब्रांचेस के ऊपर जो कि आगे हम लोग चल के मज़ीद आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो साइड इन्फॉमेशन आपकी बुक में दी गई हैं जैसे कि जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये एक अनदर ब्रांच है जिसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री का नाम भी देते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो पाए जाएं मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स, उनको हम लोग बायो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं तो वर्ड है बायो केमिस्ट्री या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों सेम ब्रांच के लिए यूज़ होता है मोलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो मुख्तलिफ मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना या फिर आप बायो केमिस्ट्री बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज़म और उनके अंदर जो मुख्तलिफ़ के मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना तो कौन कौन से मालिक्यूल्स हैं जो मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ भी कहलाते हैं जैसे कि वाटर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स ये वो तमाम मालिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए उनकी लाइफ के लिए तो उन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को स्टडी करने के लिए जो स्पेशल ब्रांच है उसे हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री का नाम भी देते हैं इसके अलावा देर इज़ वन मोर इंफॉर्मेशन दैट इज़ अबाउट पैरासाइट्स पैरासाइट्स मैंने आपको बताया था कि क्या हैं ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक को हासिल करने के लिए पैरासाइटोलॉजी की ब्रांच है इनको स्टडी करने के लिए ये वो ऑर्गेनिज़म हैं जो फूड भी हासिल करते हैं शेल्टर भी हासिल करते हैं फ्राम अन अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म और उस दूसरे ऑर्गेनिज़म जिससे हासिल करते हैं उसको हम लोग होस्ट का नाम देते हैं ये इस होस्ट से शेल्टर uh, भी हासिल करेंगे इससे फूड भी हासिल करेंगे बट इन रिटर्न दे विल हार्म दैम दैट इज़ बाई आर कॉल्ड एज पैरासाइट कि उससे फ़ायदे की चीज़ें हासिल करना और बदले में होस्ट को नुकसान पहुँचाना दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स उसके अलावा अगर हम आज के दौर में देखते हैं आ, अपने प्रेजेंट एरा में देखते हैं तो यहाँ पे अभी तक हमारे लिए इंसानों के लिए कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो साइंटिफिकली हमें डील करनी है जिनके बारे में हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं उसमें है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है मुख्तलिफ़ इन्फेक्शस डिसीज़ेज़ जो हैं जो आज कल स्प्रेड हो रहे हैं इंसानों के अंदर बिकॉज़ देर इज़ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो डिसीज़ भी ईजीली स्प्रेड हो रहे हैं अमंग द पॉपुलेशन इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि जिसमें बहुत सारी यंग जनरेशन जो है जिसकी एडिक्टिव हो चुकी है वो ड्रग्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं इसके अलावा बायोलॉजिकल पोल्यूशन जो है वो आज के दौर के बायो, मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं तो ये था मेरा आज का लेक्चर उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन आई एम हैव टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन अल्लाह हाफेज